फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना मशक्कत के बाद हम ऊपर चढ़े हैं, ये हमारे मित्र कैमरामैन, और आप देख सकते हैं ये गुफा, गुफा में है कुछ नहीं और हमें उस पार जाना है, लेकिन इस गुफा से जाना संभव शायद नहीं होगा। तो हम ये जो वाटरफॉल देख रहे हैं, ये ग्रामीण भाई साहब जो हैं ये हमें अभी उस पार कराएंगे। हालांकि हमें तो डर लग रहा है, लेकिन फिर भी ग्रामीण जो है उनका साथ है हमारे साथ में, और तो हमें हिम्मत है कि हम पार होंगे। और फिलहाल मैं अभी जूता खोलता हूँ, जूता खोल देना, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम पार होने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल प्लेस तोरपा, और ये अंगूरा जलप्रपात का सेकंड पार्ट है, और मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट दिखाया था और ये सेकंड पार्ट है। ये बहुत ही अच्छा जलप्रपात है जो कि सीढ़ी नुमा है, और सीढ़ी नुमा जलप्रपात देखने से ही बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत आनंद आने वाला है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोज महतो और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल प्लेस तोरपा। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने पंगूरा जलप्रपात आपको दिखाया वो फर्स्ट पार्ट था, और अभी मैं उसका जस्ट आपको बोला था कि उसका ऊपर जो जलप्रपात है वो मैं आपको दिखाऊंगा चढ़ के। अभी तो मैं अभी चढ़ा और आपको सेकंड पार्ट ये वीडियो बना दिया, क्योंकि वो वीडियो केवल मैं डालता तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट बना दिया। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, और बहुत मुश्किल से ये वीडियो हम लोग को मिला, और हम लोग का मेहनत, हम लोग जो मेहनत किए वो हम लोग को सफलता की ओर ले गई। तो हम लोग आपको जलप्रपात दिखा ही दिए, आप लोगों को हम लोग जलप्रपात दिखा दिए, और अभी मैं सेकंड जलप्रपात आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं जस्ट उसका जो अभी दिखाए उससे अच्छा ये जलप्रपात, सेकंड जलप्रपात। तो चलिए चलते हैं सेकंड जलप्रपात की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट झरना को देखने के लिए हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, और देख सकते हैं हमारे एक ग्रामीण और कार्तिक प्रधान चढ़े, अब हम लोग चढ़ना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना मशक्कत के बाद हम ऊपर चढ़े हैं, ये हमारे मित्र कैमरामैन, और आप देख सकते हैं ये गुफा, गुफा में है कुछ नहीं और हमें उस पार जाना है, लेकिन इस गुफा से जाना संभव शायद नहीं होगा। तो हम ऊपर चढ़ने के लिए मुझे ये लता की ज़रूरत पड़ रही है, और मैं काफ़ी थक गया हूँ और काफ़ी चढ़ाई भी हो चुकी है, और हम लोग झरना के ऊपर की ओर जा रहे हैं अब जिधर। तो फ्रेंड्स मेरा कैमरा बंद हो गया था ये वाला डंटा लगने की वजह से, तो अभी हम लोग ऊपर की जो ओर जा रहे हैं। हम लोग जिधर से आए थे उधर से नहीं जा रहे वापस, बस हम लोग दूसरा दिशा से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, ये कैमरा बनाने के चक्कर में मेरा पैर स्लिप भी कर सकता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो लाल बटन में जाकर सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को देखते रहे और कमेंट जरूर करें ये वीडियो कैसा लगा जब तक पास देख के जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स अभी वो चढ़ाई करने के बाद हम यहाँ एक गुफा है और देखिए जैसे कि एक ग्रामीण बैठ के अपना फोन चला रहा है तो हम लोग इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि वो रास्ता है वो छोटा है तो अभी हम लोग जैसे कि इधर से जाएंगे तो इधर से लंबा पड़ेगा इधर से हम लोग जाएंगे चलिए चलते हैं। अब हम लोग ऊपरी सतह में पहुँच गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है तो यह वीडियो आप लोगों तक हमें पहुंचाना मज़ा आएगा और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप देख रहे हैं ये भी एक छोटा सा जलप्रपात है और ऐसे अनेकों यहाँ जलप्रपात है हम लोग यहाँ शायद गिनती भी नहीं कर पाए और छोटा छोटा जलप्रपात बहुत है और जैसे आप वीडियो में मैं बराबर आपको दिखाते चल रहा हूँ जितना सीन है सबको। और देखिए यहाँ पानी जो गिर रहा है बहुत ठंडक पानी है और जो वहाँ से हवा आ रही है हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ का जो पानी जो छींटा मार रही है उससे तो मैंने भी अपना फेस साफ कर लिया है यहाँ पर। और इसी तरह का वीडियो हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी भी आगे बहुत आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो आगे तक देखिए। और जो पत्थर आप देख रहे हैं दोस्तों ये पत्थर ऊपर से गिरी पड़ी है और पानी के वक्त यहाँ बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं पानी जब बारिश होती है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। झरना से चलते हुए खतरों का खिलाड़ी बन के और हम लोग ऊपरी छोर में पहुंच गए हैं और सभी यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा से रेस्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं अजय कुजूर जी से कि कैसा लगा आपको ये जलप्रपात। तो अजय कुजूर जी थोड़ा बताइए। हाँ यहाँ का जलप्रपात बहुत ही देखने में सुंदर है बहुत ही अच्छा है और कई छोटे छोटे जलप्रपात भी जुड़े हुए हैं एक ही नदी में लेकिन ये बहुत ही घने जंगलों के बीच में है पहाड़ों के बीच में इसीलिए के दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपने परिवार के संग ना आए। हाँ कोई यंग
लड़का लोग हैं तो वो लोग आ सकते हैं, या हमारे जैसे यूट्यूब है। धन्यवाद। तो हमारे ट्रेवल मस्ती के डायरेक्टर श्याम सिंह चौहान से पूछते हैं कि हमारा ब्यूटीफुल प्लेस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट में से पूछता हूँ, हम लोग ऊपरी छोर में पहुँच गए, अब ज़्यादा हम लोग को चढ़ना नहीं चढ़ाई करना है नहीं, तो बस इस जगह से चढ़ना है। तो इससे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, पहले ऐसा क्या वीडियो बनाए थे आप? देखिए, ट्रेवल मस्ती जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें मैं काफ़ी वीडियो बनाया हूँ और वाटरफॉल वगैरह काफ़ी मैं देखा हूँ। वैसे तो ऑन रोड बहुत सारा वाटरफॉल होता है और जंगल के अंदर भी होता है, लेकिन ये जो पंगुरा जलप्रपात है ये बहुत ही सुदूर जंगल और पहाड़ों के बीच में है और कई छोटे बड़े फॉल्स हैं यहाँ पे। मेन फॉल्स तो वो नीचे के साइड में है, जहाँ 200 फीट हम नीचे गए हुए थे उस तरफ में है, और छोटे छोटे फॉल्स बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे लोग नहा रहे हैं ग्रामीण जो हैं, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन परिवार के साथ आने लायक ये नहीं है, वो लड़के हों या फिर यंग ब्लड के लोग हों और इससे यूट्यूबर हम जैसे हों, तो वो लोग आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ब्यूटीफुल पैलेस जो है आपका चैनल मनोज जी, बहुत जी। अच्छा है और हमें भी अच्छा लगता है, मैं भी देखता हूँ, हालांकि मेरा खुद का भी चैनल है, लेकिन फिर भी आपका भी चैनल मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जी जी, तो धन्यवाद। क्या आप सुने कि ब्यूटीफुल पैलेस अच्छा वीडियो अभी बना रही है, तो कृपया आप भी मेरे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पहुंचे सबसे पहले और देखें मनोरंजन लें। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरा वीडियो ख़त्म होता है और ये मेरे आज के मित्र ग्रामीण जो हमारे साथ गए थे और ये पूरा झरना को दिखाने या घुमाने का यही लोग का सहयोग रहा है, तो मैं इसे धन्यवाद करता हूं अपने ब्यूटीफुल प्ले स्टोर पर की ओर से। और ये नहीं होते तो शायद ये फॉल को आज कंप्लीट नहीं कर पाते। तो थैंक यू, जोहार सभी को, और बने रहिए मेरे ब्यूटियों में। थैंक यू।